Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mosa. And you are watching Newsviewsandupdates. और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है, क्योंकि हमें बहुत मर्तबा बोला गया कि हम स्टैंड अप कॉमेडी पर खास तौर पर अभिषेक उपमन्यु की हम लोगों ने पहले किसी वीडियो पे किया है क्या? हम करने लगे थे लेकिन हमने किया नहीं था पॉर्न वाले पे, हाँ, लेकिन पता नहीं वो हुई नहीं हमसे। आज जिस हम वीडियो पे कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेंड्स क्राइम एंड द कॉस्मोस स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिषेक उपमन्यु, और ये वीडियो भी अभिषेक उपमन्यु के चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वीडियो की ओरिजिनल लिंक्स वीडियो का और चैनल का हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी पहले देख लेते हैं वीडियो एंड करें ये स्टैंड अप कॉमेडी कैसी होगी, एंड आई होप के ये नीट एंड क्लीन हो। तो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच इट। मेरा अपना नमस्ते अभिषेक उपमन्यु। बेइज्जती लगती है सब को यार। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों के अंदर होता है मेट्रो बन तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ, पूरा घूम के ऊपर से मैं दिल्ली था, मुझे मुंबई वाले बता रहे हमारे मेट्रो बन रही है। मैं क्या, मैं दिल्ली में ख़राब भी होने वाली हूँ? मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? मजाक तो कमिंग, अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता वो सिंगल स्क्रीन, हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पर गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स का है आपकी गांड के नीचे। ओ, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेस उसकी तरह। अच्छा तो है वैसे, फ्री के लिए तो अच्छा ही है। तो मैं एक बालकनी होता है लोअर स्टॉल होता है, मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त भी ले गया था, अब बड़ी अजीब बातें करके ले गए, कहता लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा नहीं जाना, कहता चलना, मैं क्यों, कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब, कह रहा क्या हरकतें करते थे फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं, आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे कह रहे ओए याद है जब चाइनीज, वहां चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फिल्म रहता है, क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंसती है, ये दोस्ती के पल मैं जीने दे पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकत थी, वी ब्रोक अप बट इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर, वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना, मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कहा होते हैं होते हैं, कहीं तो बना फिर, मैंने कहा कि अभी तो गाली चला रहा हूँ इस टाइम कहाँ से मोमेंट बना, क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाली चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा, अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। गॉड्स आर सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर।
तो मैंने खंभे में गए ठोक दी. कहा पक्का याद रही हमें. याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था. हाय वो आईसीयू का वार्ड भुला ही नहीं भूलता. देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म. अब मैं लाइफ में आता हूँ कुछ यार. आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था. 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था. मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था. ऑफिस से छुट्टी लेके कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये. अच्छा हमें सतर्क रहना है. हमारी गलती है मतलब सारी. और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया कि खुद शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है. क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना. वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली. ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया क्योंकि हमने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे. अब पता है इनको एक तरीका आता है, इनको फोन था, एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड. ये बस फोन रिकॉर्ड निकाल देते हैं पुलिस वाले. जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया. इंडोर जॉब है आपको. सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, पेटर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है. जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में. अब सबके फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, दिखाओ खुश. हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी. तुम वो मर्डर करा, मैं आई हूँ. टफ डे एट वर्क. ये बता ऐसे बंदे का मर्डर होगा जिसके दोस्त ही नहीं थे. पुलिस की गांड ही फट गई, क्या कर गए. ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार, अकेले लोग क्यों मर जाते हैं. तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं क्या किया. मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे थोड़े दिखे हूँ. इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे. सबको खड़ा किया, सबको खड़ा किया, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स. इनको शौक चढ़े ना मर्डर करने का, बताते हैं तुम्हें. ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे. तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं. क्या तुम ही हो ना? मैं. क्यों पता है क्राइम पेट्रोल से डायरेक्टली दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं. ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा. उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा. कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके, उसे क्या पता था मतलब. और इसका पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी. मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे. मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती. सच में मैं उसको देख के सोच रहा था, मैं हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं. हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के. हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाई नहीं चल रही उल्टा. ये वो टाइप होने का, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है. खैर उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी. और ये पहले तो उन्होंने बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता.
अपने बाप से पहले कौन सोच उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। सच में वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो के मैं सो जा पाया। क्या कर रहे आप? हम सोने जा रहे हैं अभी? नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। उनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ करना है। जाओ बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर है, उसको देख के मुझे नींद आ रही थी। बहुत मजे में सो रहे थे, आराम से सो रहे हैं। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सो गए? उनके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा क्राइम पेट्रोल छोड़ो। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोल के बाप ने उन्हीं को शर्म आई। पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चला था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है, उन्हीं में गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या है, इसकी बीवी को अगर पड़ोसन छेड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको वापस, चलो बेटा बेटा, एक गंदे अंकल नमस्ते नहीं करते। क्राइम रोल है ना, सॉल्ट की चीज खाते हैं, सॉल्ट की। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती है। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार, मैं दिमाग खराब हो रहा था, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, मैं सपने मनुष्य सोने आता था। अच्छा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, तो सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना बंदा। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं सतर्क रहे हैं, सुरक्षित रहेंगे। मैं कोई अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देखना शुरू कर दी। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है, यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी, वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ में, वो अजीब नहीं। वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करनी नहीं आया हमें यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट, तो कहते ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिला हो गया आपको, बिलियन जबकि एक गैलेक्सी बनी, सिर्फ बिलियन गैलेक्सी मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब बच्चे एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहने दो, तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का, और ढूंढने का इतना शौक है कि ढूंढ के चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही।
आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम रुपये में इतने छोटे हैं। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? ये फालतू बातें बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के, उसमें स्टार्स बता रहे। कहते स्टार्स लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को साल लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है वो, तो लाइट आपकी आँख में अब पहुँची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी या नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे नहीं है फट गई। मेरा तो इसने मूड फ्रेश कर दिया आज। मुझे काफी बताया क्योंकि मेरा आज इधर थोड़ा मूड थोड़ा ढीला ढाला था, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी देख के मुझे बहुत मजा आया, काफी अच्छा था। क्राइम ट्रोल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिवाइड किया। शुक्र है मेरे कभी ख्वाब में वो अनूप सोनी नहीं आए, लेकिन जब मैं सोता था तो जहन में क्राइम पेट्रोल ही नहीं, मेरी अपनी भी क्राइम पेट्रोल बन रही है। अच्छा हमारे घर में एटा में इतना ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखा जाता था कि सारा सारा दिन लगा रहा करता था, और उसके साथ जब रात को सोना तो उस टाइम पर सब ने अपने किसी ने अपने मोबाइल पर देखना है, किसी ने अपने आईपैड पर देखना है, मतलब क्राइम पेट्रोल छोड़ना नहीं। किसी किसी दिन ऐसा होता था जब नहीं लगना फिर उलझन होनी करनी, फिर सारे अपने मोबाइल में, किसी ने आईपैड पे बैठे होना, किसी ने मोबाइल पे बैठे होना, बैठ के देख लेना, और हर तरफ हमारे बच्चे घर के सब लोग क्राइम पेट्रोल देखने शुरू किए, और बाकी में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ना डिस्क्राइब की हुई है सारी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो बनाया था। बाकी में ऐसे बाप कौन से होते हैं भाई, हमें तो नहीं पता। सही बात है, बच्ची बाप से पहले उठ रही है। हाँ अगर भी एक दो माँ की होती फिर मान भी लेते, बच्ची बाप से पहले उठ रही है। नहीं और इसके अलावा फिर उस मतलब जिस तरीके से वो आगे से वो बाप के तहत चल शैतान, मतलब शैतान आगे शैतान, मुझे इतनी फनी लगे क्राइम पेट्रोल तो फिर सही से फिर से शुरू होगा। नहीं वो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा जब मैंने कहा क्राइम पेट्रोल तो सही तब होगा जब मैं अपने बाप को भी सजा करूंगा। वही तो कह रही हूं कि वो जब बोलता है कि क्राइम पेट्रोल तो अब सही शुरू होगा जब मैं करूंगा। दादाजी वाले सीन भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, ला दो दांत सो जाओ अब हमारी बारी सोने की। लेकिन हाँ अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वैसे मैंने काफी देर पहले इनकी स्टैंड अप कॉमेडी जो हम लोगों ने देखी थी और हम लोगों ने वो वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसमें काफी डिफरेंट लुक थी और अब काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। वहाँ पे काफी स्लिम थे, थोड़ा जैसे कर्ली बाल थे इनके, कर्ली भी थे लेकिन वहाँ पे एक तो ये स्लिम भी थे और साथ में थोड़े स्किनी टाइप थे। मेरा हमें लास्ट ईयर की बात है जब हम लोगों ने इनकी स्टैंड अप कॉमेडी, एक साल में बहुत फर्क पड़ जाता है ना, बहुत चेंज आ गया, बहुत ज्यादा चेंज। तो अब वो माशाल्लाह हेल्दी है, सेहत अच्छी, अब प्यारे लग रहे हैं। अच्छा चलें जी, और हमें काफ़ी मज़ा आया देखकर, और मुझे लगा कि काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी में ना जो रियलिटी में चीज़ें हमारे साथ हो रही होती ना, हम वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन, और बाकी जो चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हैं वो रियलिटी में तो होता ही होता है, लेकिन जब आप उसे सुनते ना तो आपके अंदर से बे इख्तियार हंसी निकलती है कि हमारे जज्बात बयान हो रहे हैं। हर बंदे की सिचुएशन है कि जैसे आप सुबह सुबह उठ हो तो मतलब इतनी खुशी से कौन उठता है, मतलब कोई भी नहीं उठता, हर किसी को प्रॉब्लम्स है। सुबह सुबह खुशी से कौन उठता है, सबसे पहले उठते साथ ही सबसे बड़ी परेशानी थी वॉशरूम जाना है, कोई आगे से गया ना हो। नहीं नहीं वो एक अलग परेशानी है, लेकिन इतनी खुशी से वाकई में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं उठते हैं, मतलब चाहे कहीं हो डिप्रेशन हो जाए कि ये मसला नहीं, इतनी खुशी से उठते हैं। अच्छा कौन, स्टार प्लस के कैरेक्टर्स वो उठ सकते हैं भाई, वो तो मेकअप करके भी उठते हैं। एनीवेज जो कॉस्मोस का भी बीच में डिस्कस किया हुआ था, ऑनेस्टली मुझे बहुत बोरिंग लगती है ऐसी चीजें, मुझे 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 बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तो हमने कंप्यूटर रख ली थी। नहीं मतलब साइंस में इंटरेस्ट रख ली थी, लेकिन
लेकिन मुझे मतलब इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इतना ज्यादा रिसर्च करना और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे जिस तरीके से उन्होंने वो इंटरेस्टिंग कर दिया था वो बहुत मजे का था कि नाना नानी बच्चों का सिलेबस बढ़ाना है ना, क्या करना है तो कुछ करके। हां वैसे कभी कभी मैं सोचती हूं क्या यार इतनी चीजें पता नहीं क्यों सारी 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 ऐड कर देते हैं सिलेबस में। आप मतलब जिससे जो हम फील्ड चूज करना चाहते हैं बस उससे रिलेटेड पढ़ा। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। अच्छा मैंने उसे आज तक नहीं देखे, मैंने कम पढ़ के पागल देखे हैं। लेकिन ये कि जो उनका वो था ना दादा दादी नाना नानी वाला कैरेक्टर, वो मतलब जो वो स्टार्स वाले स्टार्स बन जाते हैं स्टार फट जाते हैं वो वाला बहुत फनी था। मतलब ऐसी चीजें बोलना और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं। मुझे लगता है कि आप मतलब ये जो है ना इनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि मतलब, मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, खैर वो स्टैंडर्ड कॉमेडी तो नहीं करते लेकिन विटी होते हैं। हाँ यानी कि वो बात करते हैं उनके अंदर से ऐसी चीजें निकलती हैं। मैं ये बोलती हूँ हर बंदे ने, ये भी एक आर्ट है, कला है ये, हर किसी को ऐसे आंसर करने नहीं आते ना ही ऐसे लोगों को हंसाना आता है। Anyway, बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आज है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो गुड लक टीम इंडिया एंड आई होप दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि आज कौन जीतता है। हाँ तो काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो को करें लाइक, हमारी वीडियो को करें शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।